देखिए ज़्यादा प्राणी दो टाइप के फ़ोन यूज़ करते हैं। पहला टाइप एंड्रॉयड, जिसमें आपको मिल जाता है ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मोटो, ज़ायमी, रेडमी, ये सारे, ठीक है। दूसरा टाइप आईओएस बेस्ड, मतलब कि आपके आई डिवाइस एप्पल के डिवाइस, ठीक है, और विंडोज़ वगैरह अब बात नहीं करनी। तो फिलहाल यहाँ पे जो दो मेजर प्लेटफॉर्म है वो भाई एक हो जाता है एंड्रॉयड, एक हो जाता है आपका आईफोन। अब जो प्रॉब्लम आती है दोनों डिवाइस में वो ये आती है कि अगर इनके फिजिकल बटन खराब हो जाए तो फिर क्या करें। और फिजिकल बटन बाकी की बात नहीं कर रहा, अगर आपका होम बटन खराब हो जाए फिर आप कैसे काम में लो उसको। अब बात करें एप्पल डिवाइसेस की, तो भैया यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे चोचले हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो शोरूम विजिट करो। अगर बात है यहाँ पे एंड्रॉइड की, तो यहाँ पे चलते हैं बहुत सारे जुगाड़, क्योंकि एंड्रॉइड है बिल्कुल इंडिया की तरह। तो यहाँ पे इसको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे Redmi Note 4 है और ये गिर गया था मेरे हाथ से, और फिर उसके बाद इसका हो गया कांड, और कांड होने के बाद भाई इसके जो नीचे के बटन है वो बिल्कुल काम करने बंद हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं दिख रहे तो और थोड़ा पास ला के दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ भी दबाने के बाद यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार यहाँ पे इसको नेविगेट कैसे करोगे, क्योंकि सारे काम यहाँ पे नीचे के तीन बटन होते हैं, तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे चलते हैं कुछ जुगाड़। वैसे होता गया है कि पहले जुगाड़ की बात करें तो सबसे पहले आपको कैसे भी करके अपनी सेटिंग में पहुंचना होता है। तो भाई सेटिंग में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे आसान जो रास्ता है वो ये है कि आप ऊपर से नेविगेशन पैनल को नीचे लाओ और यहाँ पे देखो ऊपर सेटिंग का आइकन मिल जाता है। मोस्टली डिवाइसेस में आपको सेटिंग आइकन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने सेटिंग्स में पहुंच गए। एमआई के फोन में और बाकी फोन में भी मैंने देखा कि ये चीज होती है। आपको ऊपर जाके यहाँ पे टाइप करना है BALL। तो बेसिकली ये होता है नेविगेशन बॉल जो आपको एसेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे देखो क्विक बॉल आ गया, ये ऑलमोस्ट पहले नहीं था लेकिन अभी ऑलमोस्ट हर फोन में होता है, क्योंकि इस टाइप के जो इश्यूज आते हैं जहाँ पे बटन सिर्फ काम करने बंद कर देते हैं वहाँ पे आता है काम में। आपको करना क्या है, आपको जो आपका क्विक बॉल है उसको करना है टर्न ऑन, और यहाँ पे देखो टर्न ऑन करते ही यहाँ पे बाकी ऑप्शन आ गए, अब आप जा सकते हो अपने होम स्क्रीन पे। तो चलो ये तो हो गया पहला जुगाड़, मतलब अब आप काम में ले सकते हो, आप अपने सारे एप्लीकेशंस को काम में ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी सारे फंक्शंस भी आ जाते हैं, पीछे जाने का, आगे जाने का, होम बटन पे जाने का। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च कर लो तो वहाँ पे आप बैक जा सकते हो, ठीक है, आप होम पे जा सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन अब वो नीचे वाले जो बटन की बात कर रहे थे वो कैसे लाना है, तो उसकी बात करते हैं। अब करना क्या है, आपको जाना है आपके प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर मेरा ये रहा, ठीक है, ये पहुंच गया भाई प्ले स्टोर में, और यहाँ पे आपको जाके सर्च करना है सिंपली नेविगेशन बटन्स, और इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन आए, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई सा भी एक डाउनलोड कर लो। तो भाई इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम इंस्टॉल। तो भाई ये एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल, इसको जाके हम ढूंढते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे देख सकते हो नेविगेशन बार का एप्लीकेशन आ चुका है। अब इसको सिंपली हमें लॉन्च करना है, और ये हो गया लॉन्च, और यहाँ पे कुछ इसको आपको एसेसिबिलिटी देनी होती है, कुछ परमिशन देनी होती है इसको। तो यहाँ पे जाके आपको जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा आपको करना है। तो ये कह रहा है सेटिंग्स में जाके नेविगेशन बार को ऑन करो, उसके बाद नेविगेशन बार यहाँ पे देखो इसको जाके कर दिया ऑन। अब यहाँ पे इतना करते ही देखो नीचे जो है बटन आ चुका, नेविगेशन बार यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो नीचे का बटन चले गए, नेविगेशन बार ऑन करता हूँ तो देखो नीचे बटन आ गए, और आप देखो नीचे बिल्कुल लगभग सेम टू सेम बटन आ गए आपके नीचे। तो भाई इस तरीके से काम करता है। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, जो भी चाहिए वो लगा सकते हो। तो यहाँ से आप सारे एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हो, जैसे भी करना है आपको काम में ले सकते हो इसको। लेकिन एक चीज और आती है कि यहाँ पे मे बी ये किसी एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है और उस एप्लीकेशन को यूज करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो इसको आप कर लो छोटा भाई। तो हम इसको एक नॉर्मल मोड पर रखते हैं और कलर जो है इसका रख देते हैं ट्रांसपेरेंट, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेस्ट कर लें इन बटन्स को, तो फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से न्यूज खोला और मेरे को जाना है होम बटन पे, तो ये भी आप बटन दबाते ही होम बटन पे आ गया। तो इस तरीके से काम करता है, मतलब कि जो नीचे के आपके फिजिकल बटन्स थे उसकी जगह इसने आपको वर्चुअल बटन बना के दे दिए ऊपर, और इन तरीके से आप कुछ टाइम तक अपने फोन को इमरजेंसी सिचुएशन में काम में ले सकते हो। तो ये था सिंपल सा तरीका कि कैसे आपके बटन अगर खराब हो गए हैं तो उसको आप जुगाड़ के थ्रू अपने फोन को चला सकते हो। और ये था बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन, कोई पैसे वैसे कुछ नहीं लगाने, जब तक चल रहा है चलाओ, फिर तो अल्टीमेटली आपको ठीक कराना ही पड़ेगा, वो तो है ही। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।